प्रीता जी, कल राखी है और मैं अपनी दोनों बहनों के घर जाऊंगा, मतलब पलकी और शनाया, उन दोनों को जाकर मिलूंगा और उनसे राखियां बंधवाऊंगा। आई एम सो लकी कि मेरी दो बहनें और उन दोनों का प्यार मेरे साथ है। लेकिन घर नहीं, तो राखी बंधवाने के बाद मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, क्योंकि मुझे पुलिस के परमिशन की जरूरत होगी। तो वही सब पेपर वर्क और ऑन पेपर वो काम करवा लूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। अगर तुझे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो तू मुझे बताना। भाई मेरे, अगर मुझे तेरी हेल्प की कहीं जरूरत भी ना पड़े और काम हो तो भी मैं तुझसे करवाऊंगा, क्योंकि उतना तो हक बनता है ना मेरा। वो तो है। प्रीता जी, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? क्या बनाऊं मतलब? अभी जब तुम किचन में जाओगे खाना बनाने के लिए तो मैं भी तो आऊंगी ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो बस हम मिलके डिसाइड कर लेंगे किसके लिए क्या बनाना है। नहीं प्रीता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको किचन में नहीं आने दूंगा। आप रेस्ट कीजिए, किचन मैं संभाल लूंगा। राजवीर, देखा अब गिरीश भी इतना जिद्दी हो गया, इसे समझाओ ना। मैं ठीक हूँ, किचन में जाऊंगी, काम में हाथ बटाऊंगी तो मेरा भी मन लगेगा ना। देखिए, लंच टाइम के टाइम पे तो मैं ऑफिस में रहूंगा, तो मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीता। गुड मॉर्निंग। ऑल सेट? ऑल सेट। चले? चलिए, चलो ऑफ। और हाँ प्रीता, आज तुमको आराम करना है। आराम मतलब टोटल आराम, नो काम बिल्कुल भी। ओके गिरीश, मैं बार बार फोन करके पूछता रहूंगा, कोई काम मत करने देना। Your responsibility, okay? मैंने भी यही कहा था कि आज आपको रेस्ट ही करना है। चलो, चले? चलिए, चलो, बाय। बाय। बाय बाय। माँ, मैं भी चलता हूँ, वो मिस्त्री से भी मिलना है ना, और घर बनवाने का काम भी तो जल्दी करना है, तो मैं मिलके आता हूँ। चलिए, बाय। गुरप्रीति, मुझे ना कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। वो करण मुझसे ऐसे बात करते हैं, इतने अपनेपन से बात करते हैं, जैसे पता नहीं मुझे कितने बरसों से जानते हो, कितने अच्छे से जानते हो। मतलब इस तरह बात करना जैसे हमारा कोई पुराना रिश्ता हो। हाँ तो वो जानते हैं ना आपको। मेरा मतलब वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो क्या है ना कि दिल के इतने साफ हैं, सबसे अपनेपन से बात करते हैं, तो एक अपनापन तो आ ही जाता है ना प्रीता जी। लेकिन ये बात भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि यही बात तो निधि को अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि करण निधि के पति हैं।